क्या आप गेस कर सकते हो कि ये क्या है? वेल, ये है ऑल न्यू टाटा कर्व, लेकिन बिना बॉडी पैनल्स के। और ये तो आप गेस कर ही सकते हो, ये है ऑल न्यू इंजन। तो ये है GDI टर्बो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और ये है अपडेटेड डीजल इंजन। और इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे टाटा कर्व के वेरियंट्स का वॉक अराउंड, तो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टाटा कर्व प्योर प्लस एस वेरियंट की। तो ये स्मार्ट से ऊपर का वेरिएंट है विद सनरूफ। फ्रंट में आपको ऑटो एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं, DRL मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड DRL आपको नहीं मिलता है, और ना ही आपको फ्रंट व्यू कैमरा मिलता है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, बस एक रिवर्स कैमरा आता है। और यहाँ पे आपको 17 इंच अलॉय रिम्स मिलते हैं, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको इल्यूमिनेशन के साथ, और पीछे आपको LED टेल लैंप मिलते हैं, लेकिन अगेन ये कनेक्टेड नहीं है। और जो बूट है उसमें आपको इलेक्ट्रिक रिलीज मिलती है, लेकिन ये मैनुअली ही आपको उठानी और नीचे करनी पड़ेगी। हाँ, बूट का स्पेस आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी डिसेंट स्पेस है कर्व में। और अब अंदर चलते हैं। तो इसमें आपको फ्लिप की मिलती है और एक दूसरी है आपकी नॉर्मल की। तो यहाँ पे आपको मोस्टली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। स्टेयरिंग आपको लेदर रैप नहीं मिल रहा है, हालांकि फोर स्पोक है जैसा हैरियर में मिलता है। जो आपके वाइपर्स हैं वो भी आपके रेन सेंसिंग है, जिसको आप कह सकते हो कि ऑटोमेटिक है। इसमें आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। सीट्स जो हैं आपकी वो फैब्रिक है, तो आपको किसी तरह का वेंटिलेशन फंक्शन नहीं मिलता, और जो ड्राइवर सीट है उसमें किसी तरह के आपके पावर फंक्शंस भी नहीं है, आपको मैन्युअली ही सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है, आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। जो आपका ये पैनल है, दिखने में तो ये टॉप मॉडल जैसा ही लग रहा है, टच सेंसिटिव वाला लग रहा है, ऑटो AC जैसा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, ये मैनुअल है। इसमें सब कुछ आपको मैनुअल कंट्रोल करना पड़ेगा फिजिकल बटन से, और जो बटन हैं वो सारे के सारे टच सेंसिटिव है। 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और इसमें आप एप्पल का CarPlay एंड्रॉयड ऑटो दोनों कनेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ सेंटर में आर्म रेस्ट भी मिलता है, और इसके नीचे स्टोरेज है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर टाइप जगह भी मिल रही है, और इसको आप हाइड भी कर सकते हो। ORVMs आपके पावर्ड हैं और ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आते हैं, और जो आपका IRVM है हालांकि वो आपको मैनुअल मिलता है। और जो डैशबोर्ड है ना, उसमें भी जो ये एलिमेंट है वो डिफरेंट कलर का आपको मिलेगा। जो टॉप वेरियंट है अकम्प्लिश्ड प्लस, उसमें आपको बर्गंडी कलर का मिलता है, यहाँ पे आपको ये ऐसे व्हाइट कलर का मिल रहा है। रियर सीट का स्पेस कैसा है? तो ड्राइवर सीट अभी मेरे हिसाब से सेट है, और आप लोग देख सकते हो कि कितना स्पेस है मेरे पास, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को ओपिनियंस नहीं दे सकता। बाकी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता। तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 3-point सीट बेल्ट है। नेक्स्ट है ये सेकंड नंबर वाली कार, जो है टाटा कर्व क्रिएटिव प्लस एस। तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं? सबसे पहले तो इस वेरियंट में आपको ये डिफरेंट वाली नई वाली की मिलना शुरू हो जाएगी। वेल, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है, तो इसलिए यहाँ पे आपके कनेक्टेड DRLs हैं, 360 डिग्री कैमरा यहाँ से ऐड हो जाता है, आपको बाई फंक्शन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जो कि अगेन ऑटो है, और नीचे आपको फॉग लैंप्स भी मिल रहे हैं। अलॉय रिम्स आपके 17 से 18 हो गए हैं, एरो इंसर्ट्स यहाँ भी है, फ्लश टाइप डोर हैंडल विद इल्यूमिनेशन यहाँ भी है आपके लिए, और पीछे जो मेजर चेंज है वो ये कि आपके जो टेल लैंप है वो कनेक्टेड हो गए हैं। इंटीरियर में क्या क्या चेंज हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एलिमेंट है इसका कलर चेंज हो गया है, उसमें लाइट था, यहाँ थोड़ा डार्क हो गया है। आपको बड़ी 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे आपका ऐड हो गया है, और ऐसा कुछ दिखता है इसका यूजर इंटरफेस। में आपके स्पीकर्स भी बढ़ गए हैं, यहाँ आपको 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है, 10.25 इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रहा है, और इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट व्यू भी मिलता है डिस्प्ले के अंदर ही। यहाँ क्रूज कंट्रोल है ही आपका, जो कि वहाँ पे भी आता ही था। और क्या ऐड हुआ है? जो आपका स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर रैप्ड हो गया है, कि जो ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है इसका पैटर्न भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यहाँ पे आपको पुश बटन दे दिया है, और जो आपके HVAC के कंट्रोल्स हैं वो दिखने में भले ही सिमिलर हो, लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आपको यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड रो सीट के लिए यहाँ पे सेंटर में आर्म रेस्ट भी ऐड हो गया है, और इस पे आपको कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, और इस वेरियंट में आपके जो वाइपर्स हैं वो भी अपग्रेड हो जाते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पे, ये है टाटा कर्व अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट, और इसमें एक्सटीरियर में आपको मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे। वेल, आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत ये क्रोम पार्ट्स दिख रहे होंगे, ये मोस्टली क्या है ना, एक्सेसराइज्ड कार है, तो इसलिए इनके हिसाब से जज मत करिएगा, एक्सेसरीज आपके लिए एक्स्ट्रा है। इसके इंटीरियर में आपको काफ़ी मेजर चेंज मिलेगा, क्योंकि जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वो ड्यूल टोन है, हालांकि है अभी भी लेदर रैप। बर्गंडी कलर की यहाँ पे आपको लेदरेट अपोल्स्ट्री मिलेगी। फ्रंट की दोनों सीट्स यहाँ पे वेंटिलेटेड हो जाएगी, और ड्राइवर के लिए 6 वे एडजस्टमेंट भी इसमें ऐड हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे आपको JBL का 9 स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलता है। और अगर आप GDI या फिर डीजल इंजन को ऑप्ट करोगे तो आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेगी, साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और लास्ट है ये अकम्प्लिश्ड प्लस ए। तो इसमें क्या होता है, मेजरली आपको ADAS फीचर्स मिलना शुरू हो जाएंगे 20
के आसपास फीचर्स हैं ADAS के, उसके साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी, आपका जो IRVM है वो ऑटो डिमिंग हो जाएगा, आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा, 12.3 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ से आपको जेस्चर कंट्रोल्ड पावर टेलगेट भी मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि कितना स्पेस है, तो कैंपिंग वगैरह कर सकते हो इस गाड़ी में। एंड लास्टली अब इस स्केलेटन की बात भी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपका एटलस प्लेटफॉर्म है, और टाटा मोटर्स ने क्या किया ना, यहाँ पे डिस्प्ले में आपको तीन डिफरेंट कलर दिख रहे होंगे, एक तो ये ब्लू हो गया, एक ये रेड हो गया, और एक हो गया ये आपका नॉर्मल ग्रे कलर। तो ये क्या है, ये नॉर्मल आपकी स्टील है, ये आपकी हाई स्ट्रेंथ स्टील है, और जो ये रेड कलर का पार्ट आप देख रहे हो ना, ये है आपका एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील। तो ओवरऑल यहाँ पे ये डिस्प्ले करने की कोशिश की है कि जो ऑल न्यू टाटा कर्व है वो कितनी सेफ है, और कितनी जगहों पे उन्होंने एडवांस और हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया है। और अब फाइनली इंजन की बात भी कर लेते हैं। तो ये है ऑल न्यू 1.2 लीटर 3 सिलेंडर GDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें टर्बो आपको यहाँ सामने दिख रहा है और GDI सिस्टम आपका यहाँ लगा हुआ है। तो इसमें कटआउट बना के दे रखा है टाटा मोटर्स ने, दिखा रखा है कि कैसे उन्होंने पिस्टन में लो फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की है, और जो वेल्व्स हैं इसके उसमें भी सोडियम वेल्व्स का यूज़ किया ताकि वो कूल रहें। तो ओवरऑल जो इसकी पावर आउटपुट है वो है 125 हॉर्स पावर एंड 225 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, यानी कि पुलिंग पावर। और दूसरा है ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि नया क्रायोजेट इंजन है। इसमें अपडेट्स किए हैं टाटा मोटर्स ने, वही पिस्टन में लो फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी हो गई, सोडियम वेल्व्स हो गए, और उसके अलावा और भी अपडेट्स हैं। इन टर्म्स ऑफ पावर ये डेवलप करता है 118 हॉर्स पावर एंड 260 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, यानी कि पुलिंग पावर। हाँ जी, तो कैसी लगी आप लोगों को ऑल न्यू टाटा कर्व की ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारे वेरिएंट्स दिखा दिए, इसका एटलस प्लेटफॉर्म भी दिखा दिया, दोनों नए इंजन भी दिखा दिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों का टाटा कर्व के ऊपर क्या विचार है, और क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के साथ अपने ओपिनियन शेयर नहीं किया, अपना वर्डिक्ट शेयर नहीं किया, इसलिए हम दूसरी वीडियो डालेंगे जो कि 19th को आएगी 12 बजे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर दे। और अब आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करिए और आगे की वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करिए अपने किसी दोस्त के साथ जो कि टाटा कर्व लेने में इंटरेस्टेड है। ड्राइव सेफ करिए, चाहे आगे बैठे हैं पीछे, सीट बेल्ट यूज़ करिए, और अगर आप बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट यूज़ करिए।